अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, तुम्हारे फेवरेट प्रोग्राम गौर मिनट में मैं आवाजी होस्ट और दोस्त अनीता मोहरम की आयो। सब ठीक ठाक आयो? सबनिन का पेरा ताके घबराणो ना आए। मां भी छा चई रही आया, 3 साल का तमाम की आदत पजी वई है घबराण जी। जेकर हो घबराइन न तो छा कन, न न जेड़ो तां सोची रहा आयो एड़ो कुछ भी ना है। आवाम जेकर घबराए रही है तो क्राइसिस की वजह से, क्राइसिस तमाम घना वधी वया आइन। हेरे दिसो क्राइसिस, हेरे दिसो क्राइसिस, आई ता मुझे ख्याल सा पान भी किते क्राइसिस में ही आयो। जेकर मां वधी क्राइसिस जी गाल कंदम त किते मुझे पेंजे मथा क्राइसिस रह अचे वंजन त प्रोग्राम जे होस्ट आमिर शाह के दावत दीदम जल्दी सा अचे वंजन गौर मिनट में। सजन मुझो ही सोनो आ, हजारन में हजारन में सजन मुझो ही सोनो आ, हजारन में हजारन में सजन मुझो ही सोनो आ, हजारन में हजारन में चिटो जी चंड चोड़िया जो चिटो जी चंड चोड़िया जो सितारन में सितारन में सजन मुझो ही सोनो आ, हजारन में हजारन में सजन मुझो ही सोनो आ, हजारन में हजारन में पुछाइण पान के आया शकी थी प्या सजन सामू हुआ कई उते सोना कतारुन में हुआ कई उते सोना कतारुन में चिटो जी चंड चोड़िया जो चिटो जी चंड चोड़िया जो सितारन में सजन मुझो ही सोनो आ, हजारन में सजन मुझो ही सोनो आ, हजारन में सहेड़ियों सब करण दीदार दिलबर जो आयूं गड थी सहेड़ियों सब करण दिलदार दिलबर जो वठे सब आंगुरियों वेचूं विचारन में वठे सब आंगुरियों वेचूं विचारन में जिए जिए चंड चोड़िया जो चिटो जी चंड चोड़िया जो सितारन में सजन मुझो ही सोनो आ, हजारन 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 में या जी अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो? ठीक आहियो, फर्स्ट क्लास आहियो। जीअं अनीता मुखिया जीअं इलाही ॾींहनि खां पोइ फील पियो थिए त माशाल्लाह सां अकलमंद थी वई आहे, ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं क्राइसिस वारियूं ॻाल्हियूं पई ॿुधाए। अच्छा, क्राइसिस तां हिकिड़ी ॻाल्हि यादि आई, तव्हांखे त ख़बर आहे, तव्हां जीअं ज़िक्र कयो त हर तरफ़ क्राइसिस ई क्राइसिस आहे, ऐं हिकिड़ो डायलॉग जीअं पाण नंढिड़े हूंदे ॿुधंदा हुआसीं की गबर इनके सामने नहीं नाचना, तो हाने पाने को नौ अखर दिमाग में अची वो है तो घबराना नहीं है, तो घबराना नहीं है तो एकड़ो चाहते एकड़ो नलो किस्सो तो ताजा शेयर किया। एकड़ो आमिल बाबा हो,
उन हमरा वो क्राइसिस में वरतल हो जाए ना माना ही समझो पहाड़ जितना उन क्राइसिस होजन तो उन्होंने आमिल बाबा के तो कोई अड़ो हल बुधा जो मुझा ये क्राइसिस खत्म थी चन तो उन तू अगर मथो हेट कर मथे माता टंगू मथे कर मथो हेट कर तू या एक्सरसाइज कर महीनो तेते हु भाई जो परेशान हो वो खुश थी उनका पुछे तो उनसा मुझा क्राइसिस खत्म थी वा उन चो ना क्राइसिस खत्म को बाकी हो तो तू यूज टू थी आदत पेजी सो हाँ पा सब क्राइसिस जे मसला उन पा यूज टू थी वह सो यूज टू थी वह अगर वेहण जहाँ अगर यूज टू थी मेहमान जो भी पुछो हे असा साबिक क्रिकेटर कप्तान भी होंगे ओके सरफराज सरफराज अहमद साहब शाबाश 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 पीछे पीछे पान हिनन के त स्टूडियो में घुरायो ही कोनो पर हिनन सा अगर एकड़ी वुमेन क्रिकेटर भी आए ना ओहो हे भी क्राइसिस में आ लगे तो हे भी क्राइसिस में आ मां बने क्राइसिस में आ अच्छा तो ये क्राइसिस ता असा जे प्रोग्राम में हल करण आया है भाई देखे मैं तो आपको बताऊं मेरे ऊपर तो इतने खतरनाक क्राइसिस आ गए मैं तो आटा लेने गया उसमें घुन निकल गया मैं दूध लेके आया वो फट गया और मैंने तो वो डिजिटल करेंसी ली वो उसके उसके वो भी नीचे आ गया मैं तो नुकसान में आ गया शाबाश शाबाश बात सीधे आएगा अगली बॉल पे विकेट देगा सीधे आ जा हाँ सीधे सीधे तुम बॉली पे जाओ बॉली पे बॉली पे मेरी बात सुनो ऐसा हां बैट साइन जो मथो फाड़ दी थी मैं बुढ़ी न तो मरे न तो ही तहां एक्स क्रिकेटर आयो हाने छा आयो मैं अन्या ताई क्रिकेट खेलो पे भाई इनकी टीम कब बनी भाई मां तो कोशिश में लगी पया तो बाहर बन्या मुझे गाल बुदो दी हो सदमे में आ के ते ता भी तो न ले आवे को मा मा सदमे में ना सदमे में है ही रहंदो अनीता बाजी इनकी टीम कब बनी मैं तो भाई इनकी टीम कब बनी मैं तो हैरान हो गया ये वुमेन क्रिकेटर है हमारी अच्छा ये वुमेन है अच्छा बिल्कुल इन हमारे क्रिकेटर से और हमारी इस लेडी क्रिकेटर से हम बात बिल्कुल करेंगे असान ये प्रोग्राम में जगह आज पहली गेस्ट आ है ये चाहे जे त जेडी मलु असेंबली में इंदी है त उनसा जेडी मलु गालाइंदी है त चंगन चंगन जा वात बंद कराए छदींदी है एमपी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रियन सा उन जो ताल्लुक है मखसूस सीट ना एमपीए थी है डाडी दबंग किस्म जी ये चाहे लेडी है खातून है आज इते पान जबरदस्त किस्म सा उन जी कचेरी कंदासी उन सा उन जो लाइफस्टाइल शेयर कंदा तो तहां सबनिन जी जोरदार ताड़ी में अचे थी सादिया जावे अस्सलाम वालेकुम मैम पहले तो आपको दिल की गहराइयों से हम वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम गौर मिनट में कैसी हैं आप ठीक हैं मैं ठीक हूं आपकी बड़ी मेहरबानी आपने मुझे याद रखा आपने मुझे बुलाया माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा मेरा मैम के साथ ये दूसरा इंटरव्यू है ना अच्छा इससे पहले हम एक दूसरा चैनल था वहाँ पर मैंने मैम के साथ एक रमजान ट्रांसमिशन में मैम के साथ एक मैंने इंटरव्यू प्रोग्राम किया था तो उसमें मैम ना बहुत खामोश खामोश ना मुझे ऐसा मतलब फील हो रहा था लेकिन आज मैं सरप्राइज हो गया कि वही सादिया जावेद हैं तब वो शायद एमपीए नहीं थी आज वो एमपीए हैं तो शायद उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा मुस्कुराहट माशाल्लाह नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कैसी चल रही है मैम सियासत घबराना नहीं है सबसे पहले आपने घबराना नहीं है घबराना नहीं है वैसे ही चल रही है सियासत अच्छा वैसे ये जो घबराना नहीं है का जो लफ्ज है ये वैसे एक तो अच्छी चीज है कि हमें नया अल्फाज मिल गया है नहीं घबराना नहीं हम तो अभी एक तकिया कलाम मिल गया हम फ्रेंड्स में भी बोल रहे होते हैं ओहो गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है घबराना नहीं ओहो पैसे नहीं है घबराना नहीं है ओहो सैलरी टाइम पर नहीं है घबराना नहीं है तो ये आप भी यूज करते होंगे आपस में हाँ बिल्कुल क्योंकि इतना ये ऐसे वक्तों में बोला गया जब कौम बहुत क्राइसिस में है पाकिस्तान बहुत क्राइसिस में है आज जब वज़ीर ख़जाना साहब इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना क्योंकि पहले तो वो हमारे थे तो अब इम्पोर्ट हो गए अब वो इम्पोर्ट हो गए तो इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना ये बता रहे थे कि जी मुल्क में आटा भी नहीं है एग्रीकल्चर मुल्क में आटा भी नहीं है चावल भी नहीं है शक्कर भी नहीं है और हम एग्रीकल्चर मुल्क भी हैं और फिर हमें घबराना भी नहीं है और हमें बाहर से मंगाना भी है तो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल इतना गलत किया गया कि अब हर लोग घबराहट से ही मर जाएंगे नहीं मैं ये तो नहीं कहती कि लोग घबराहट से मर जाएंगे अल्लाह करे खान साहब घबरा जाए चलें हमारे साथ एक और हमारे साथ असा सा गरीकड़ो बियो मेहमान भी आए
तमाम सुठो इंसान सभिनीनि खां पहिरां इन करे चवंदमि त मुंहिंजो ॾाढो सुठो बेस्ट बडी बि आहे ऐं ॾाढो सुठो मॉडल बि आहे. हुन इलाही सारा सॉन्ग्स जेके आहिनि इलाही फैम मिलियो हुननि सॉन्ग्स खे. ॾाढो सुठो एक्टर बि आहे पर एक्टिंग थोरी घटि कंदो आहे. ॾाढो सुठो डायरेक्टर बि आहे. तव्हां सभिनीनि जी ताड़ियुनि में दावत ॾींदमि गौर मिनट में मज़हर सेठार खे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम मैम. वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मज़र तव्हांजी वरी महिरबानी. तव्हां असांजे शो में आयो. एॾा सारा तव्हां कमु कंदा आहियो. उन्हनि कमनि खां पोइ तव्हांखे टाइम मिलियो जो तव्हां गौर मिनट में आयो. वरी महिरबानी. कीअं आयो? ख़ुशि आहियो सर? ऑल वेल. बिल्कुलु ठीकु आहियां अनीता. बिल्कुलु ठीकु आहियां. मज़र कीअं पई हले तव्हांजी मल्टी टैलेंटेड? मां ॻाल्हि ते परेशान आहे त हीउ टाइम कॾहिं असां वटि आयो कीअं आहे. मज़र सेठार जो बि घर आहे छो त ज़ाहिर आहे मज़र बि कमु कंदो आहे. पंहिंजे घर खे त टाइम ॾियणो पवंदो आहे ओबियसली. सर बिल्कुलु फर्स्ट क्लास हले थो कमकार. कीअं पियो हले? शोज़ हलनि पिया ॿ सैटरडे संडे 7 to 9. माशाल्लाह. ऐं हिकिड़ो जेको आहे इहो इंशाल्लाह नाइट शो जो सीज़न 2 पिया कयूं हाणे. बाक़ी हल्को फुल्को कमकार. मॉडलिंग कीअं पई हले? मैम तव्हांखे शुरू में चयो त मल्टी टैलेंटेड आहियो. इहो हिकिड़ो वॾो कॉम्प्लीमेंट आहे जेको मैम तव्हांखे ॾिनो. तव्हां असांजा मेंटोर आहियो. सभ खां पहिरियों ॿुधायो तव्हां मां सिखियो आहे. हिकिड़ी शइ मज़र जी मूंखे मुझे बहुत अच्छी लॻंदी आहे क्योंकि मैम बि सम्झे न. मैम बि इनवॉल्व. मैम आपकी सिंधी बि सम्झे. चले ज़बरदस्त. हिकिड़ी शइ मज़र जी ॾाढी सुठी आहे. बेस्ट आहे. मॉडल त आहे मञू था. एक्टर बि आहे मञू था. डायरेक्टर बि आहे. डायरेक्टर बि आहे मञू था. सुठो इंसान बि हूंदो मञू था. न न आहे. पर मज़र जेको ही जॾहिं खां ही मोटिवेशनल स्पीकर थियो आहे मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में वञी तूं नई नौजवान नसल खे उते बि इंटरव्यू कंदो आहीं. उन्हनि जा उन्हनि जे खे तूं लेक्चर ॾींदो आहीं ऐं उते वरी डिबेट में बि वेंदो आई. उते ई पंहिंजा आर्ग्यूमेंट्स बि पेश कंदो आहे. उते ज़बरदस्त ॻाल्हाईंदो आहे. मूं हुनखे लिकी लिकी इलाही दफ़ा ॾिठो आहे. इहो इहो शौक़ु छो आयो मज़र? दादा मतिलबु 9-10 साल 12 साल मीडिया खे थी आहे त पोइ एक्चुअली हिकिड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील थी त यार कुझु न कुझु पंहिंजे माण्हू जे लाइ सोसाइटी में कुझु न कुझु तव्हां पार्टिसिपेट कयो. ठीकु आहे. पोइ डिफरेंट यूनिवर्सिटी थी वई, लम्स थी वई, मेहरान थी वई या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बि आउं करे आयो आहियां ऐं असिस्टेंट कंट्री डायरेक्टर आहियां ग्लोबल पीस चेन पाकिस्तान जो. ऐं हुन यूनिवर्सिटीज़ में एक्चुअली मां पंहिंजो यूथ जो जेको मीडिया जो जेको आहे एक्सपीरियंस शेयर कंदो आहे. असां परफेक्ट त न आहियूं. पोची त कोन चुका आहियूं. त हिकिड़ो एक्सपोयर आहे. चलो जॉब थी वई मुंहिंजी वर्ल्ड बैंक में एज़ अ मीडिया कंसल्टेंट आहियां. त हिकिड़ो एक्सपीरियंस ओवरऑल शेयर पियो करणु चाहियां त बाबा मीडिया में तव्हां कीअं ग्रो करे सघो था, कीअं केरियर बिल्ड करे सघो था, अपॉर्चुनिटीज़ कीअं क्रिएट करे सघो था. इहो ई हिकिड़ो एक्सपीरियंस शेयर कंदो आहे. ऐं उहो तमामु ऑफकोर्स असांजी शुरू खां आमिर शाह असांजा मतिलबु दादा हाणे हिनखे दादा चवंदो आहे. इहा मतिलबु वॾो ब्रदर बि आहे ऐं हिकिड़ी मेंटोर बि रहियो आहे ऐं सम्झाईंदो रहियो आहे. ऐं उन दौर में असांखे हुन सपोर्ट कयां जंहिं वक़्तु असां वक़्त ते हमेशह शोज़ करण ईंदा हुआसीं. दादा ॿुधाईंदो त फलाणे शो हीअं कयो. अच्छा इहे मज़र जेके ॻाल्हियूं करे पियो असां फिक्स कयोसीं न ॿाहिरि. मसला ये के मज़र यहाँ फिक्स हुआ था ना, यहाँ फिक्स नहीं हुआ. अच्छा मैम तो ये मेरे साथ 4 साल मैंने इसी के साथ शो किया हुआ है तो वही मतलब वी नो ईच अदर वेरी वेल. हमने एक शो किया था 4 साल. अच्छा ये हमारे गेस्ट बैठे हैं इनसे भी पूछेंगे आपने चूड़ियाँ क्यों रखी हुई. चूड़ियों क्यों रखी हुई? हे चूड़ियूं मायने लाइ रखियूं त हाणे हे चूड़ियूं पाए छॾे. मां चवां थी त हे टोपी बि लाहे ऐं हे शर्ट बि लाहे. हाणे सुठो अथसि चूड़ियूं पाए. मतलबु साबिक कप्तान आहे असांजो. त कप्तान आहे हमेशह हारायो अथई, हमेशह असांजो नक बोड़ायो अथई. शामिल थी अदी खे चवंदमि अदी मुंहिंजी टीम में एम्पायर थी वञे. तव्हां टीम ठाहियो अथई तव्हांजी हेल्प कंदी. कमरान शाह असांजी हेल्प कंदी. कमरान शाह न आमिर शाह. आमिर शाह. अच्छा ॻाल्हि ॿुध तव्हां जुडू जेको आंदो अथव सिर्फ़ असांखे बाल खणींदे तॾहिं बि असांजी हेल्प कंदो. न त तव्हांजो माशाल्लाह सां जंहिं तरीक़े जी तव्हांजी जिसामत आहे त तव्हां क्रिकेट जे तव्हां हाणे लाइक मुंहिंजी पसंदि आहे क्रिकेट. तव्हां छा था चयो मां रेसलिंग कयां? हाणे ॿुधायो तव्हां हाणे ज़ाया थी वञो. अच्छा भाई मैं पहली बात तो ये बोलूं कि ये खिलाड़ी विलाड़ी कोई कुछ है नहीं. समझ में आई? ये चीयर लीडर है. हम जब टेप बॉल से क्रिकेट खेलते थे ये शाले गलती थी कि मेरी तरफ छक्के मारे चौके मारे. दूसरी बात ये और भाई ये सोने की चूड़ी है. मारे हथ न कर मां मुंह ते एड़ो बल्लो हणंदी मैं. छुकी कुटली के मुंह वाली और बताना ये कैसे किसकी है ये चूड़ी? तुझे ला खड़ी है यहां पाए बिना वजह के ड्रामे कर ली है. शूज खड़े कर लिए. इनको पता नहीं है. और आपने मोटिवेशन स्पीकिंग के स्पीक की बात की. आपका भाई जब ग्राउंड में होता है ना ऐसा मोटिवेशन करता है ना लोगों को खली खली सुनाते हैं जो बॉले सही नहीं कराते ना आपका भाई. तो आपको तो पता है आपने देखा होगा फील्ड में. अरे शाबाश 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 बीच में का अगली बॉल तो आउट हो जाएगा. इनके दिमाग ते ही असर थी वो. कोई बात नहीं. शायद सीढ़ी आएगा वनीता इनके बाल लगो
बाल इन जे करे थोड़ो इ थी वियो वनीता ना अनीता अच्छा अनीता सॉरी अच्छा बिल्कुल कचेरी जो सिलसिलो जारी रहंदो हियर वक्त है गौर मिनट में एकले ननडे ब्रेक जो त असा सा गडी रहे जो अचू था एकले ननडे ब्रेक खां पोए वेलकम बैक नाज़रीन एक दफ़ो बीहर तुम सभी के भलीकार गौर मिनट में उम्मीद है तक जो को प्रोग्राम तमाम घड़ो पसंद ही होंद असा गुड जो मेहमान आज उ भी तमाम घना प्यारा मेहमान तो हुई पाने प्रोग्राम में जबरदस्ती इंदा बिल्कुल अच्छा मैम बचपन कैसा गुजरा आपका मतलब प्योर कराची की है आप पहली बात तो ये मतलब पैदाइश आपकी कराची की मेरी पैदाइश कराची की तो है। मतलब कहाँ स्कूल की तालीम हासिल की फिर कॉलेज फिर मैंने PCHS से मैट्रिक किया खातून पाकिस्तान से इंटर किया कराची यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स किया कैसी थी मतलब स्कूल लाइफ में या अभी तक आप वैसी ही हैं जैसी स्कूल लाइफ में थी कॉलेज में थी फिर यूनिवर्सिटी में थी या आपकी जो फ्रेंड्स मिलती होंगी बोलती होंगी शादी अभी तुम चेंज हो गई हो नहीं कोई नहीं मैं जैसी थी मैं वैसे ही हूँ मेरे फ्रेंड्स फैमिली कोई ये बात नहीं कह सकता कि मैं तब्दील हो गई हूँ अच्छा मतलब हाँ। किस तरह की थी बचपन में वही पूछ रहा हूँ मतलब खामोश तबीयत थी या नहीं 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 बिल्कुल मैं खामोश तबीयत नहीं थी अब मैं खामोश तबीयत हो गई हूँ असेंबली आके मतलब जब से आप MP बने हैं तो खामोश तबीयत हाँ मतलब जाहिर सी बात है आपको बहुत सारी चीज़ें सुननी और बर्दाश्त करनी पड़ती आजकल एक बड़ा सोशल मीडिया पे एक इशू चल रहा है हमारी जो मीडिया की आपा है उनका बड़ा एक इशू आजकल वायरल क्लिप हुआ है कि वो किसी MPA MNA से बदतमीजी कर रही हैं और उन्होंने एक दूसरे से हाथापाई दी तो ये सही काम था या गलत था देखिए ये काम एक तो पहली बात ये कि ख्वातीन के लिए बड़ी एक मायूब बात मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ उनको वो सीनियर भी हैं माशाल्लाह से पॉलिटिक्स में भी बहुत अरसे से हैं तो इंसान को अपने अंदर तहमुल और बर्दाश्त पैदा करना चाहिए जो शायद उनमें नहीं है शायद या जो उनकी पार्टी है उनके लीडर कहते हैं आप ये सब करेंगे तो आपकी प्रमोशन होगी तो शायद वो सोच रही हूँ कि मैंने एक MNA को थप्पड़ मारा अगर आपको याद हो तो एक खातून जो MPA का इलेक्शन लड़ रही थी वहीदा शाह और उसने रिटर्निंग ऑफिसर को थप्पड़ मारा था तो इलेक्शन कमीशन ने उसको लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया तो अगर फिर हम जो कहते हैं कि हमें एक पाकिस्तान चाहिए दो नहीं तो एक सिटिंग MNA को एक एडवाइज़र खातून या स्पेशल असिस्टेंट खातून थप्पड़ मार रही हैं तो ये कोई मुनासिब रवैया तो नहीं है मुझे नहीं लगता इस पे उनकी कयादत को उनकी पार्टी को अच्छा आप होती इस जगह तो मतलब सामने आपके PTI के MPA MNA होते और आप पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते तो उस वक्त आप क्या करती हैं आपका क्या रिएक्शन होता देखिए मैंने आपको कहा कि सियासत जो है ना वो तहमुल और बर्दाश्त का नाम है और मेरा ख़्याल से पीपल्स पार्टी को ये बात बहुत अच्छे से पता है एक तो हमारी सियासी तरबियत का ये हिस्सा नहीं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के मुतालिक बहुत सारी बातें झूठी कहानियां गढ़ी जाती हैं लेकिन वो उसको उस तरह रिप्लाई नहीं कर सकते वो कर सकते हैं उस चीज़ को रिप्लाई लेकिन बाद में वो चीज़ वक्त साबित करता है ना कि जो दूसरों ने कहानियां गढ़ी थी या बातें बनाई थी वो गलत हैं तो पीपल्स पार्टी की तरबियत ऐसी नहीं है ये जो अदम बर्दाश्त जो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने सियासत में मुतारिफ कराया जब वो कंटेनर पे खड़े होते थे रात को और वो तकरीरें करते थे और लोगों को गालियां देते थे जैसे उन्होंने कहा मुझे एम्पायर बना देंगी मुझे माफ़ रखें मुझे एम्पायर नहीं बनना एम्पायर की उंगली का इशारा जिसका खान साहब को है मुझे नहीं बनना मैं मुझे नहीं बनना आपने मुझे उस वक्त शो शुरू होते ही एम्पायर बना दिया था जो मुझे नहीं बनना वैसे ऐसी कौन सी मतलब आप पर प्रेशर था मतलब किसने ज़्यादा आपको फोर्स किया
आसिफ अली जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने, या आपके खुद की एक थी कि मैं पीपल्स पार्टी में ही आऊँगी और किसी पार्टी में नहीं जाऊँगी, क्योंकि कराची में बहुत सारी पार्टीज हैं। देखें, मेरी वालदा का ताल्लुक लड़काना से है, तो मुझे एक तो पहली बात ये, आई एम फेमिनिस्ट, तो जाहिर सी बात है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हर खातून के लिए दुनिया में जो भी ख्वातीन हैं उनके लिए एक रोल मॉडल, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए, एज लीडर, एज मदर, आप जो भी उनका रूप देखें उसमें, एज डॉटर आप उनको देखें तो वो बहुत इंस्पायरिंग, तो आई वॉज इंस्पायर्ड बाय हर। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीबी की जिंदगी में ज्वाइन की, माशाल्लाह मुलाकात हुई थी आपकी? हाँ जी, मेरी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से मुलाकात हुई थी, एंड 18 अक्टूबर को मैं फ्लाइट पे भी उनके साथ आई थी। अच्छा। तो मेरे लिए ये बड़ा एहसास था जब बीबी ने अपनी जिला वतनी ख़त्म की तो मैं उस जहाज का हिस्सा थी, तो मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, और उसके बाद जो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ कि पॉलिटिक्स में सब्र तहमुल, तो जब मैं मैडम फरियाल तालपुर साहिबा को देखती हूँ, बहुत सारे लोग उनके मुतालिक बहुत सारी बातें करती हैं, वो उस तरह उसको रिएक्ट नहीं करती, कर सकता है हर इंसान रिएक्ट कर सकता है, लेकिन उन्होंने हमें ये बात सिखाई है, बताई है कि हर चीज़ तहम्मुल बर्दाश्त वक्त के साथ होती है। तो ये जो कल खातून का रवैया था, उनके पहले भी ऐसी खातून के साथ उनका जो रवैया था जब वो गई थी उनके प्रोटोकॉल में प्रॉब्लम आ गई थी, तो ये उनका रवैया मेरे हिसाब से और मेरे ख्याल से, मेरे क्या किसी भी खातून से अगर इस बारे में बात की जाएगी सही नहीं है, तो वो ये सही नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको कोई इज्जत दे दी है, कोई मकाम दे दिया है, तो दरख्त झुक जाता है, फलदार दरख्त झुक जाता है, अकड़ नहीं जाता या बदतमीजी मुनासिब नहीं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मज़र, माशाल्लाह सा वा प्रोजेक्ट्स पे हलन तहां जा, हाँ कुछ अड़ो कुछ हमेशा नव ही कह तुम अगर अस वीडियोज भी डिठूँ या तुम अगर मखसूस ड्रामा क्या मज़र मतलब कुछ एम्पायर वाली बात मैं मखसूस सीट की बात नहीं कर रहा, ये इलेक्ट हो रहा है, ये इलेक्ट मतलब मखसूस वो खुद ही बैठ के देखते हैं बना के। अच्छा एक्स कप्तान साहब आजकल क्या हो रहा है? देखिए आजकल जो है वो मैं चाय बनाना सीख रहा हूँ, क्योंकि मैंने मुल्क को जो है वो वर्ल्ड कप जितवाया था अंडर 19 में, चैंपियंस ट्रॉफी दिलवाई, फिर अपने पीएसएल की टीम को चैंपियन बनाया, उसके बाद भी यार टीम से निकाल दिया मुझे यार, तो मैं सोचो चाय बना लूँ ताकि आप ख्वाब मत देखिएगा, एक ने हमें वर्ल्ड कप जिताया था तो आज हम उसको भुगत रहे हैं, उसी बात अब आप प्लीज चाय बनाना ही सीख लें, चाय का ढाबा मैं खुद बन के दिखाऊंगी, मैं जिता के दिखाऊंगी, क्या छोड़े इसको, आप औरत तो बन के दिखाए पहले किसने बुला लिया ये आपको टीम में रख दी ताकि टीम में तो खड़ना चाहे, नहीं मैं कभी नहीं इसकी टीम में जाऊंगी। अच्छा ये है कब ता अपनी टीम ने इसको निकाल दिया आपा? और भाई तुम्हारे स्टेट खराब है, क्या हो गया? मैं टीम में मौजूद हूँ भाई, चार दफा आता हूँ, पानी लेके जाता हूँ, कन्ने बंदे दबा के चला जाता हूँ, तो ये टीम में होना होता है भाई। टीम वर्क अच्छा, आप कर ही रहे हैं वैसे। एकड़ी गाल भी मुझे खबर पई है तो हाने यही जगह एक्स असाजी क्रिकेटर है ये हाने चेयर लीडर है ना, होते चेयर गर्ल कौन ये जगह ये हथन में हुआ ये हाने वारन में रखी छड़े अरे सादिया मैडम मैं यही तो बता रहा था, जब हम टेप बॉल खेलते थे ना गलियों में तो छत पे खड़े हुए इशारे करती थी, तो तब से इसके अंदर एक किराए की चेयर लीडर रहती है, तो बेड़ा घर को चुप तो हो। तीन मुल्कों के मैं अपने मुल्क का नाम रोशन ऐसे करूंगी, बाहर जाके खेलूंगी और बाहर के क्रिकेटर से सेल्फियां बनाऊंगी। अच्छा अच्छा हाँ। अभी टीम लंदन गई, इंग्लैंड गई हुई है, तो वहाँ पे मैचेस चल रहे हैं, तो क्या कंडीशन क्या है? देखें अभी जो है वो अभी तो पीएसएल की तैयारियां चल रही है, फिर हम इंग्लैंड जाएंगे, तैयारियां भरपूर है इंशाल्लाह, वहाँ पे जाके देखेंगे क्या रेट। आपको आपको पीएसएल में किसी ने नहीं लिया, किसी टीम ने आपको पीएसएल इस लायक ही नहीं समझा, कभी भी नहीं लिया, हमेशा जिस टीम के ये जूतियां उठाता है वहाँ भी हराता है, टीम हरा जाती है, इसको कोई नहीं लेता। अच्छा मैं कप्तान हूँ अपनी टीम का,
क्वेटा की टीम का मैं कप्तान हूँ, लेकिन वो जो है वो आजकल थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ये तीन कंट्रियों की नुमाइंदगी कर रही है, यहाँ से ये ऑस्ट्रेलिया की लग रही है, जिसामत से वेस्ट इंडीज की लग रही है, और है ये पाकिस्तान की। हाथ नीचे करके बात कर, मैं हाथ तोड़ दूंगा। हाँ तो काचिया है क्या, हाथ तोड़ देगी हाथ तो लगा के जिगा तेरे मुंह पे ना, ये गुलदस्ता मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया भाईजान आपका। आप फिरदौस आशिक अवान बनने की कोशिश मत करें प्लीज। नहीं वो देखिए, मैंने अभी ये बात की है कि आप फिरदौस आशिक अवान ना बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, जब आप पहली दफा असेंबली में गई अभी 2018 की इलेक्शन में, आप मखसूस सीट से जब जीत कर इलेक्शन में और फिर असेंबली हॉल में गई, तो मतलब उस वक्त क्या फीलिंग्स थी कि अब मैं जीत गई और अब मैं इन एक एक को चुन चुन कर मारूंगी, चुन चुन कर बदला लूंगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं सोचा आपने? नहीं नहीं नहीं, क्या सोचा मतलब? मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने अपने खुदा ताला का बहुत एहसान मंद हूँ मैं कि मैं पाकिस्तान के उस असेंबली का हिस्सा हूँ जिसने करारदाद पाकिस्तान मंजूर कराई। तो मैं उसके बाद अपनी क़यादत, ज़ाहिर सी बात है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की, और मैंने खुदा का शुक्र भेजा कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ। सिंध की आबादी में बहुत सारी ख़वातीन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी लेडीज़ की कोई कमी नहीं है। तो मैं तो प्रिविलेज्ड हूँ ना कि मुझे उन्होंने ये इज्जत और ये मकाम अता किया। लेकिन एक थोड़ा सा डर तो होता है ना कि आज मैं पहली दफा जा रही हूँ, मतलब कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड भी होंगी ना वहाँ पर, जो जिन्होंने कहा होगा साजिद डरो नहीं हम तुम्हारे साथ ही हैं, नहीं अगर नुसरत अब्बासी कुछ बोलेगी तो हम उनको जवाब देंगे, या अगर किसी और ने बोला तो हम जवाब देंगे। बड़े उसके साथ के नुसरत सहर अब्बासी, मैं उनको भी, मैंने कई दफ़ा सोचा है कि मैं उनको भी जाके कहूँ कि देखें बिल्कुल ठीक है, तनकीद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह वो लाउड हो जाती हैं और जिस तरह की वो बातें, कुछ दिन पहले भी, कुछ टाइम पहले उन्होंने भी कोई ऐसी हरकत की थी अब मैं क्या बोलूँ मतलब किस उनके बारे में, और लेकिन उनको भी मैं वही कह रही हूँ ना कि ख्वातीन को अपना मकाम और अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती, क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी उस तरह नहीं है, लेकिन अगर वो जगह और मकाम मिल जाए तो दूसरों की इज्जत करना सही भी बात है। अच्छा मतलब ट्रैवलिंग भी थे पई तां सी गडो गड, असन दिसन आयो केरी मलता टर्की वेठा आयो, केरी मलता अचानक ही सडनली ता आए ता हल्या विंदा हो हां कदा कदा कोविड लगो पे करे वणण नहीं हिंयर त हलो ठीक है कोविड जे करे ता इते आयो हुए मोस्टली असन दिसन आयो सोशल मीडिया ते ता कॉन्फ्रेंस वगैरह हुंदी या कन्वेंशन थिया कॉन्फ्रेंस या उनला करे वणण थिंदो आ बाहर वो उते ता कनी को इंटरनेशनली जेके शहर ता घुमे आ उनन में कनी को वीडियो ठायो को जेको म्यूजिक वीडियो कोन ठायो ते वणो लिमिटेड टूर हुंदो आ बस मतलब लिमिटेड चा बटरे कलाकन जो न बस बचार पंजड़ी जे स्केड्यूल ते लिमिटेड एडिशन मुझे अभी तक नहीं समझ आया, लिमिटेड ड्रामा एक्चुअली वो एक्चुअली मैं आपको बता दूं शी इज नॉट कमिंग सिल्लो हां शी इज नॉट कमिंग आई वाज लिटरली मैं नोटिस कर रहा हूं मतलब वो बड़ा फन करना चाह रही है मैम भी बड़ा अपने दौर में ना मैडम बड़ा वो कराची यूनिवर्सिटी बताया तो मैं समझ गया मैडम ये स्केड्यूल वहां की तरफ से होता ना कि सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा अगली दफा जब आप विजिट में जाएंगे तो आप इनको साथ नहीं आप वुमेन के हिसाब से जाइए क्यों मेरे ऊपर ड्रामा बनाया और फिल्म का नाम रखिएगा जमाई बाबू। सबने मॉडल सा ता गड कम कयो है ना केटीएन ते कशिश टीवी ते या रीजनल मीडिया जी गाल करजे तो हर फीमेल मॉडल सा ता गड कम कयो है। असाजे प्रोग्राम में भी जेका असाजी को होस्ट है वा भी सुठी मॉडल है सुठी एक्ट्रेस है। अच्छा असा कदी तहां बिनी जो पेयर कदी गानन में छो अनीता जबरदस्त मॉडलिंग करदी है ताम जबरदस्त मॉडल कर लिमिटेड ताम लिमिटेड मॉडलिंग कर लिमिटेड लिमिटेड सॉन्ग चार साल मॉडलिंग करना है जेके वो व्यू कम कन पे वो मजबूरी में चार साल दादा इन सा शो कयो आप चार साल अगर शो करे का गानो इन सा कया माज सही है वी आर फ्रेंड्स न त छो मजर मुझे ख्याल सा असा एकड़ो वीडियो सॉन्ग शूट इकड़े दिए में करे भी ना हो तो ता छा एकड़ो मां यो हाइट डिफरेंस भी है माशाल्लाह हाइट है सिंधी मीडियम छा देती कोई हाइट छोकरी ना होदी बट शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा सिंधी मीडिया जी पान गाल कयो प्या सिंधी मीडिया में हियर तहां त हलो बेस्ट मॉडल आयो ही आयो
पियो के खे पे समझो तो पियो बेस्ट मॉडल जको हंजर स्क्रीन ते दिसण में बिंदो जे ताई नजर में या ला बेस्ट मॉडल यो अम्मा पोला थी जान से बड़ छोटो कम करे जानी डाड़ो छोटो कम करे वो तो इमर्जिंग आ उनके अलावा बियो ऐसा जको मॉडल आ न केड़ा मॉडल बताई खोर सारा तो माय दा गाना क्या ताके मॉडल मॉडल छोकरे दी गाल लोगे सडन ब्या छोकरी तो मां मूसा कर छोकरा ही होया मॉडल तो सा जको तू तो ना गाना को डियर डियर छोकरो जको यो डियर डियर ना चा चंदो डियर डियर अलग की चश्मा बशवा पाई डांस अच्छा आजकल ये टिकटॉक स्टार्स भी बहुत आपने कभी असेंबली में जैसे हमने एक देखा था आप ही की एमपी हैं एक शर्मिला जी उन्होंने एक बनाया था टिकटॉक हमने टिकटॉक पर देखा था कि ये वो बड़ी पॉपुलर हुई थी ये पार्टी मैं हूं और ये हम पावड़ी हो रही है तो आपने कभी इस तरह की पावड़ी की नहीं हमने इस तरह की पार्टी नहीं शर्मिला वैसे वैसे फन लविंग है वो चीज नहीं नहीं देखिए वो अच्छी बात है उसको उसको शौक है और हर किसी का अपना अपना और पर्सनल लाइफ है तो हर कोई वो लाइवली है बड़ी हाँ वो अपने अपने शौक होते हैं आप सोशल मीडिया पर हैं एक्टिव हैं हाँ जी मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ लेकिन टिकटॉक पे एक्टिव टिकटॉक पे एक्टिव नहीं एक्टिव ही नहीं है चले जी गुफ्तगू के जारी रखता है यार वक्त है ब्रेक जो सा गड़ी रहे जो के नाम ना बन जाओ वेलकम बैक गौर मिनट के गौर साई अजा दिसो छो तो हाँ दादा जबरदस्त किस्म जहाँ सवाल थे असाजे जे गेस्ट अजर आयल तो पैं आऊँ सवाल कदस मैम से प्यार पर यकीन है मोहब्बत पर यकीन है कभी शायरी की कभी गाने सुने सारे सवाल एक ही दफ़ा पूछ लेता हूँ कि आप बारी बारी इनके जवाब दें प्यार पर बिल्कुल यकीन है मोहब्बत बिल्कुल यकीन है माँ बाप से औलाद प्यार करती है माँ से प्यार सीखते हैं तो प्यार तो है ना दुनिया में बिल्कुल और शायरी नहीं मेरी उर्दू कमज़ोर है तो शायरी नहीं आती गाने ज़रूर उर्दू कमज़ोर मतलब क्या खा पी नहीं रही है उर्दू उर्दू के डायलिसिस हो रहे हैं मेरे ख्याल से अल्लाह ना करे नहीं उर्दू के डायलिसिस नहीं हो रहे लेकिन मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ उर्दू में कि मुझे शेर और शायरी समझ आए गाने मैडम लिमिटेड है नहीं 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 लिमिटेड नहीं है आप हैं लिमिटेड मैं समझ गया ये लिमिटेड मैं ये खुद बनाते हैं खुद देखते हैं खुद एंजॉय कर लेते हैं जैसे जैसे बाबा जैसे सरफराज भाई आजकल जैसे आप लिमिटेड हैं आप भी लिमिटेड हैं मैं अपने अंदर ही गुरु मंदिर हूं भाई मेरे जैसा कोई नहीं होगा भाई देखिए आप मैं खिलाड़ियों को अलिफ्त रखता हूं कि एक आंख उठाकर नहीं देखता मुझे अलिफ्त रहते हैं एक आंख उठाकर नहीं देखते आपको दोनों आंख उठाकर देखते हैं अच्छा मैंने एक चीज सरफराज भाई के बारे में सुनी है कि जब भी ये इंटरनेशनली टूर्स पर जाते थे टीम के साथ तो अगर सपोज ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स क्या करते थे सुबह उठ के जॉगिंग करते थे फिर स्विमिंग करते थे फिर एक्सरसाइज करते थे फिर पिच पर जाते थे प्रैक्टिस करते थे और जब सरफराज भाई जब टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में तो ये पहले उठकर कहते थे कि भाई मुझे कराची निहारी खानी है फिर पुलाव खाते थे इसका यही काम था बार फज्जे दे पाए खाने तभी तो क्राइसिस में ही है तभी तो ये हाल कर दिया मैं समझ रही है उर्दू सही इस तरीके से सिंधी भी समझ रही है मैं ताके मत बुधाया थी तो मां केतरो स्ट्रगल कर ने क्रिकेट जेला है असल में इमरान खान जे मां चक्कर में हुएस मेरा लूडो खेलंदी हस लूडो का पो गुल्ली डंडा खेलंदी हस उने का पो मां आयस क्रिकेट पे जेडे मां उने के दिठो हमेशा छक्के पे छक्का ये छक्का वो छक्का मैंने कहा मैं भी मारूंगी एक दफा इसका छक्का नहीं छोड़ूंगी नहीं वो हम समझ गए इसके जमाने की सारी औरतें मर गई हैं फिर भी बैठी हुई है ये नहीं इसके इसके ऊपर पेपर गुम हो गए हाँ मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ आपकी चूड़ियां आप पहन लें अच्छा मतलब तहां जा आजकल घना अफेयर प्यालन ओ मतलब ओ घना अफेयर प्यालन हां मतलब अफेयर्स से यकीन है सच्चा आप क्या क्या कर रहे हैं वो उनका ये मतलब है लिमिटेड अफेयर्स सिंगल आया मीडिया लाइफ में ये मशहूर है
कि अगर आपको फेमस होना है तो आपको किसी ना किसी के साथ अफेयर या स्कैंडल मनाना चाहिए। स्कैंडलाइज होना। अच्छा आप क्या कहते हैं कि मीडिया जैसे मेरा किसी जमाने में माधुरी के साथ बना था तो मैंने कहा चलो ठीक है इसी बहाने माधुरी को पता चल गया कि आमिर शाह माधुरी मर गई हमारी निकल गई मजर ता खाए करो मतलब नॉर्मल सवाल आ त मीडिया में फेमस थन चला स्कैंडलाइज हो जन केतरो जरूरी है मां त करे स्कैंडल में न रहो मां ता का सवाल पूछो एडो जरूरी ना है मुखे कोन लगे जरूरी हो जे अच्छा छा जरूरी है मीडिया में मेहनत क्यों स्ट्रगल क्यों बस उनका जो पको थिया तो पे लिमिटेड काम हो जाता है मेहनत क्यों स्ट्रगल क्यों कामयाब थिए दो तमाम बेड़ा माशाल्लाह कामयाब अच्छा मैंने कह मैं ती पे लिटवा अवर लिप न करो नीता अवर लिप हो मां हमेशा ने के टीवी पे लिटो चंगो लगंदो आ आज जो को सागो ओड़ो दांगोड़ तो लगे मेकअप शो न कराए आज भी मेकअप तू कराए मेकअप कराए तो किते आया मेकअप हमेशा मेकअप में होंदो आ अवर लिप हीर ता घणो तक सफा मन पुफी दिया तू वेंदी तू जी सफा मजर सही ता छो जी सर ने इनने सही ता छो इनन जो खानदान ही है सफा केमा इंस्पायर थी मीडिया फील्ड चॉइस कई ता दा के नंढड़ो मजर जो सखर शहर से ताल्लुक है वो कराची मूव थे वरी पो ता हिते कम कार भी कयो त उ सखर मा जदी कराची मूव पे थिया त इयो सोचे व्या ता मुखे मीडिया फील्ड में एको नालो कमाइनो है या हिते कुछ ब्या प्लान्स ठाया या ता जो हाने कुछ ही न पियो थे तो हाने फनकारी कयो भला ए कुछ ही कोन थियो पाखर जो फनकारी स्टार्ट कयो कुछ जो कोन पियो थे वो स्टार्ट कयो थे तवा दे सामो वाह तवा गाइडेंस वरती थी स्टार्ट कयो से पर माशाल्लाह कम हले पो स्ट्रगल कयो पिया अच्छा मजर मजाक मस्ती पे जा रहे उते क्या करे शिकारपुर में आचार जा रेट क्रीप पे पो हे दे आयो पर मजर जो मॉर्निंग में हॉस्टिंग में मजर जो नालो आए मजर जा लाइक फैंस आइन मजर जा सॉन्ग्स वीडियो सॉन्ग्स भले मां मॉडल ना तो मजर ता तो गाड़ो गाना सुठो आए को वाने से आयो कलीम सा गाड़ो गड़ ता तो मजर को कहीं गाना तो सुना दे मैंने मैं गाना मैम गाता नहीं वैसे वो सिंगर वो हैं बड़ा अच्छा गाते हैं मैं वीडियोस वगैरह म्यूजिक वीडियोस वगैरह वैसे मैम वैसे आखिरी दफा वो हसीन इत्तेफाक कब हुआ था जब आप किचन में गई थी आखिरी दफा नहीं मुझे रोज जाती हूँ मैं रोज जाती हूँ मतलब ऐसे ही देखने की आज क्या फ्रिज खोलने जाती है फ्रिज खोलने जाती हैं नहीं नहीं फ्रिज अच्छा। फ्रिज मेरे किचन में नहीं रखा अच्छा। अब मैं क्या पूछूंगा फ्रिज मेरे किचन में नहीं रखा पहली बात अच्छा लेडीज का एहतराम कर डिफ्रेस करके मुंह वाले लेडीज का एहतराम कर अच्छा अपना मुंह नहीं देख रही ट्रैक्टर की बेटी अच्छा जी मुझे खाना पकाना भी आता है और मुझे खाना पकाने का शौक भी है मतलब घरेलू भी है मतलब टाइम देती हैं आप मतलब हाँ, इतना बिजी स्केड्यूल एमपीए का एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है बिल्कुल रिस्पांसिबिलिटी है लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है तो आई लव टू कुक क्योंकि मेरी वालदा को बहुत शौक था खाना पकाने का और अभी भी पकाती हैं वो लेकिन उनसे मुझे ये इंस्पिरेशन थी और मैंने खाना पकाना सबसे अच्छा क्या बनाती हैं मैं कह रहा था वो मैम सबसे अच्छा क्या बनता है सबसे अच्छा मैं क्या बनाती बातों के अलावा मैं वो तो आप बनाते हैं लिमिटेड अच्छा अब ये हाँ मैम क्या बनाती हैं सबसे अच्छा सबसे अच्छा निहारी निहारी जो आप अभी निहारी मुझे पता ही नहीं होती क्या है भाई क्या है पता नहीं क्या आप फिर कराची वाले नहीं है अगर आपको निहारी नहीं पता बिल्कुल तो फिर आप कराची वाले नहीं सही कह रही है भाई हम अगर देखें फज्जे के पाए की बात होती तो कोई लाहौर का क्रिकेटर होता अगर कराची कराची में जो है अगर उसको निहारी नहीं पता तो फिर तो वो कराची साजिया बाजी 400 साल होगा निहारी खाए हुए इतना डाइट कॉन्शियस हुआ हूँ मैं आजकल आपने बाजी किसको कहा है अच्छा साजिया बेटी मैं बस न्यारी को छोड़े अब न्यारी बस न्यारी हो जाए अब न्यारी बनाए तो बताइएगा जरूर वो कह रही है मैं लिमिटेड बनाती हूँ इतने लोगों के लिए नहीं बनाती 5 लोगों के लिए मजर तहां करी किचन में टाइम दीदा हो बिल्कुल ये मास्टर शेफ आई लव कुकिंग ये हमारे वो स्टार हैं जो 60s के हो जाएंगे तब भी एक बैचलर लाइफ ही एंजॉय करेंगे तो उस हवाले से मेरा सवाल है कि आप अच्छा क्या बना लेते हैं सर में कढ़ाई उल्लू बिल्कुल सही आपने बिल्कुल सही कहा
आपने एक नजर से इसको पहचान लिया है। वेरी इनोसेंट काइंड ऑफ पर्सन, ट्रस्ट मी, कढ़ाई अच्छी बनाता हूँ, आप थोड़ी निहारी दे दीजिएगा, मैं आपको कढ़ाई दे दूंगा, बड़ी अच्छी बनाता हूँ। लेकिन ये जैसे, अच्छा वो भी लिमिटेड बनाते हो क्या? थोड़ी सी दे दूंगा आपको कढ़ाई। जैसे मैम ने कहा कि वो उल्लू अच्छा बना लेते हैं, तो उसी बात पर मजर के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे इनके तोते उड़ गए हो ना। आपने इसको पहचाना काफी अच्छा है कि उल्लू बना लेते हैं। तुमने कब बनाया? फूटी है मुझे, आप कैसे बना सकते हैं उल्लू? आप क्या बनाती हैं बताते हैं? मैं आप जैसों को उल्लू, आप जैसों को उल्लू, ये भी कोई भाई मुझे क्यों उल्लू? अच्छा वो सोच में पड़ गए कि तो मैं तो हूँ ही उल्लू, तो मुझे उल्लू कोई क्या बनाएगा? आज असेंबली में ऐसा कौन सा मतलब दूसरी पार्टी का, पीटीआई का हो या जीडीए का हो या मुस्लिम लीग नून का हो, कौन सा ऐसा एमपी है जिसको आप बोलें कि यार ये अच्छा बंदा है, ये चले हमारी पार्टी का नहीं है लेकिन ये बात अच्छी करता है, टू द पॉइंट बात करता है, ऐसा कोई है? मतलब आप सोच रही हैं कि कौन होगा ऐसा? मैं सोच रही हूँ क्योंकि बड़ी माजरत के साथ के ऐसा कोई लिमिटेड लोग होंगे वहाँ पे। नहीं, लिमिटेड की बात नहीं है, पीटीआई की जो लॉट असेंबली में पहुंची है मोस्टली नौजवान है। हाँ, पीटीआई के नौजवान भी हैं, अनएक्सपीरियंस भी हैं। हम मैंने कोशिश करके तीन साल में कुछ सीखने की कोशिश की, वो जो रूल बुक और प्रोसीजर बुक है, लेकिन उन्होंने उन तीन सालों में, तो मैं पीटीआई से तो बिल्कुल नहीं ये बात कहती कि उधर से कोई ऐसा है। एमक्यूएम में सीजेंट लोग हैं क्योंकि ऑब्वियसली इजहारुल हसन जो हैं वो पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वो भी पीटीआई वालों के साथ मिल के ज़रा वो हो जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एमक्यूएम में से जो लोग हैं वो जो इस वक्त पीटीआई की लॉट है उनके मुकाबले में वो बेहतर। बेस्ट बडी कौन है आपकी, मतलब बेस्ट फ्रेंड कौन है आपकी असेंबली में? नाम मुश्किल नाम है कोई? नहीं नहीं नाम अच्छा। लूंगी तो अच्छा एक का लेंगी दूसरी नाराज हो जाएंगी। चले आप चार नाम ले लें, आप चार पांच ले लें। नहीं नहीं अभी इतने सारे लोग मेरे बेस्ट बडी नहीं हो सकते। निदा खोड़ो जो है वो मेरी अच्छी दोस्त है। हम एक दूसरे को असेंबली में कभी छालियां पास की के छालिया है? हाँ हाँ छालियां तो हम और भी लोगों के साथ पास करते हैं निदा के साथ, लेकिन उसके साथ मेरी अच्छी, पहली दफ़ा वो पार्लियामेंटेरियन है मेरी तरह, और मैंने और उसने कोशिश करके कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश, ज़बरदस्त जो कम लोग कोशिश करते हैं, तो उससे मेरी अच्छी दोस्ती है। बाकियों से भी मेरी दोस्ती है, मतलब लड़ाई मत करा दीजिएगा जो शो नहीं नहीं सबसे आपकी अच्छी दोस्ती है, और जाहिर सी बात है जहाँ आपका रोजाना आना जाना हो या जो आपके साथ हो लोग, तो उनके साथ अच्छी दोस्ती, चार साल झेला था फिर भी नहीं समझ सकी, आप इसको मिनट में समझ गए कि लिमिटेड है। मगर तहां जो बेस्ट बडी केयर है दादी खोर सर दोस्त सुठान मुझा नवीदा जावेदा मुझा मीडिया का आउटसाइड मीडिया जी गाल मीडिया में काशिफा तमा यो ही अनीता है जेके बडीज अनी। अच्छा छोकरी सुठी दोस्त हुंदी है या छोकरो? अनीता दा मुझे ऑटो छोटो एक्सपीरियंस है वही मुझे एकडो सवाल है छोकरी वधिक सुठी रहदी मतलब छो कंफर्टेबल एकडो रहंदो असारे लाइक दो लाइक टाइम 4 5 साल ना मजर समुझी ना ना लाइक दोस्त हो असा सीरियस नो ओले चबरा चुप कर जी अनिता सा खोर सारी मतलब ही डाडो ख्याल कंदी है दोस्ती में इलाही जगह ते इन फेवर्स ना इलाही जगह ते स्पेशली पार्टीज में हैंडल सही कंदी आई है सो इलाही थोड़ी दोस्त रही है। अच्छा मतलब ता पार्टीज में गड विंदा है बिल्कुल एग्जैक्टली अच्छा। बर्थडे पार्टी अच्छा बर्थडे पार्टी अच्छा नॉट ये पार्टी और ये वो वाली पार्टी नहीं बर्थडे पार्टीज में वैसे जो कराची में जेको रहंदो है अगर उसने पार्टी नहीं की तो फिर वो सरफराज भाई आपको तो ज्यादा पता होगा नहीं जी 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 इन्हें का पूछो पार्टी पार्टी में है बूंद असल में हिना जी नंढड़ी जी बर्थडे एकरे बदफा वरी ने नंढड़े जी बर्थडे त मजर मा असा मना जी हां हां आप आप ये आप मुझे जाहिर औरत लग रही है ये अंदर से मर गई है एक बेटी है अल आप बोले टीम में शामिल करवा दो अच्छा सरफराज भाई नहीं तो आपने सुना नहीं मुझे ना आप तो कैसी बातें करते हैं इतना बड़ा नहीं समझ रही थी पूरी साजिश चल रही है सब मिलेगा आपस में इसका ये शर्ट शालिया पार्सल करती हूं एक पान तो दे दे मुझे पान अभी नहीं लाई है वो
अच्छा so, मज़र जो एकड़ो सॉन्ग आए जे में मज़र मुझे ख्याल से इलाही पुरानो सॉन्ग आए हाय असा जो पागल बनो ओ मुझे फेवरेट आए काशी भाई की आवाज आए काशी फगानी जो आवाज आए वो जेकर काशी भाई हो जा मा चवा बुधाय छियो जबरदस्त मॉडलिंग कई है पर मुझे फेवरेट एकड़ो गानो आमिर शाह साहब जो मौसम बस अटके थी वाओ डाडो रिक्वेस्ट लाई बिल्कुल मुझे डाडो फेवरेट अच्छा केड़े मतलब एक्टिंग मॉडलिंग इन सब में पांजो पान के रिलैक्स किथे समझना है होस्टिंग में बिल्कुल होस्टिंग कयो गनो मॉडलिंग ते गनो फोकस मॉडलिंग सम टाइम तमाम घट लिमिटेड लाइफ तहां डायरेक्शन भी इलाही कई है ता जा वीडियोस भी थोड़ा सा यूनिक हुंदा है मतलब नए ता कोशिश कंदा है तो कुछ नयो दिखारिया जिए आसिफ सियाल हाने असन जे प्रोग्राम में आयो तो उन ता जो ही डिस्कस कयो त मु जा मोस्टली जे के सब बिल्कुल गाना मजर से ठार कंदो है त आमिर उन के चयो होयो त ता के कोई भी मिलंदो ना है एक्चुअली आसिफ के बे कोई मिललो आसिफ आ दोस्त जो तमा मीडिया में गाल के तमा वेजो आसिफ दोस्त आई लाई मुजो त आसिफ जा गाना 2 साल का मुड पयो होयो 2.5 साल का आज तो क्या सुभान तो क्या आज तो फाइनली वो गानो क्यों अगर वो आप बोल के दिखा देंगी हमें ये हमें ना लोग SMS करके पूछ रहे हैं कि ये मैम बोल सकती हैं या नहीं तो वो वर्ड है बागड़िन जे बंद ते बग्गा गाबा भगा मतलब ये आज स्पीकर साहब ने आपको कहा है कि ये बोलना है आपको मतलब ये आज है बागड़िन जे बंद ते बग्गा गाबा भगा चले स्टार्ट बोल दें बागड़िन जे बंद ते बागड़िन जे बंद ते बंद ते बग्गा गाबा बग्गा गाबा बग्गा बग्गा गाबा गाबा भगा भगा अब ये मतलब एक फ्लो में बोलें वन गो में बोल दें आप क्यों कुछ बोलें बोलें ये लिमिटेड है हमारे पास ये मजर बोल लेगा मजर बोलेंगे ना बागड़िन जे बंद ते बगा गाबा भगा मुके खबर यो खर्चाई भी लो जाएगी बहरहाल मैम बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे प्रोग्राम में आई तो कोई आप अपने हलके के आवाम को या अपने फैंस को फॉलोवर्स को हमारे प्रोग्राम के थ्रू कोई मैसेज देना चाहें मैं पहली दफ़ा इनके प्रोग्राम में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है मैं आप सब से कहूँगी ये प्रोग्राम ज़रूर देखें जबरदस्त तां जो मैसेज कोई व्यूअर्स के लिए बड़ी मेहरबानी तां भी पंजो कीमती वक्त कढ़िया पर मैसेज लिमिटेड टाइम वाके लिमिटेड मुखे याद है एक्चुअली KTN डेफिनेट असा मैडम के डाडो एंजॉय कियो मजो आयो सो ये सही शो जी असल में असा जा सब प्रोग्राम कामयाबी है पर ही आज वाले प्रोग्राम में मुखे कुछ घणो वधिक मजो आयो हुआ तो सभी प्रोग्राम सुठा हुंदा है मजा आ इन दे करे ना तां जी जी तां मैसेज ले छड़ो लिमिटेड एडिशन थैंक यू सो मच सो वेल आपका 36 का आंकड़ा चल रहा है क्या वो देखिए आप अभी क्राइसिस में भी इतना बोल रहे हैं तो नॉर्मल लाइफ में कितना बोलते होंगे मैं तो बोला ही नहीं हूं भाई यार एक्चुअली वद ख्याल के क्लाइमेट डाडो मसलो आ आने रिसेंटली 5 जून ते एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कियो आ तो कोशिश करे वण लगायो वण जी डाडी इंपॉर्टेंस आए KTN सा हमेशा जुड़िया रहो KTN तमा लाइ खोर सारी एंटरटेनमेंट खणी इंदो आ ही एक वंडरफुल प्रोग्राम आए मुझे बेस्ट विशेस दंदा आमिर शाह लाइ अनीता लाइ एंटायर टीम लाइ सो थैंक यू सो मच वरी मेहरबानी तां जी एंड व्यूअर्स तां सभी जी तमाम घणी मेहरबानी गौर मिनट जो फ्रेश एपिसोड डिसण जे लाइ KTN एंटरटेनमेंट जो पेज तां डिसी सको ता वरी असा तां सा अगले हफ्ते मिलंदासी के नए मेहमान सा गर तेस तां सिन सलामत सा सलामत लव यू ऑल टेक केयर अल्लाह हाफिज़